हेलो दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे डायोड कैपेसिटेंस की। डायोड में कुछ कैपेसिटेंस भी होता है, देखते हैं किस तरीके से। अगर ये कोई पीएन डायोड है तो यहाँ पर ये डिप्लीशन लेयर होती है वो एक डाइलेक्ट्रिक की तरह काम करती है, और ये पी है ये एक प्लेट हो गई और एन है ये एक प्लेट हो गई। तो कोई कैपेसिटर में क्या होता है, यही होता है। ये कैपेसिटर हो गया, दो प्लेट होंगी और बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक भरा होगा, और यहां पर ये प्लेट का सेपरेशन होगा। तो बेसिकली जो डिप्लीशन विद है वो प्लेट का सेपरेशन रिप्रेजेंट करता है। तो द पीएन जंक्शन डायोड द डिप्लीशन लेयर विल बी वर्किंग एज ए पैरेलल प्लेस कैपेसिटर। द विद आउट डिप्लीशन लेयर चेंजेस ड्यूरिंग बायसिंग। बायसिंग में आपने देखा था कि जो डिप्लीशन लेयर की विद है वो कम ज्यादा होती है। अगर फॉरवर्ड बायस होगा तो ये कम होगी, और रिवर्स बायस होगा तो ज्यादा होगी। तो इसकी वजह से इसकी जो विद है वो कम ज्यादा होती है रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस की वजह से। ये दो तरीके का कैपेसिटेंस शो करता है। एक होता है ट्रांजिशन कैपेसिटेंस जिसे सीटी से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक होता है डिफ्यूजन कैपेसिटेंस जिसे सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रांजिशन कैपेसिटेंस होता है वो ड्यूरिंग रिवर्स बायस होता है, और जो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस होता है वो ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायस होता है। तो कैपेसिटेंस यहाँ पर C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन बाई डी होता है। तो यहाँ पर जो D है वो आपका डिप्लीशन विड्थ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिप्लीशन लेयर कैपेसिटेंस और ट्रांजिशन कैपेसिटेंस के बारे में। ये डायग्राम आपने पहले भी देखा होगा जब हमने रिवर्स बायस किया था। रिवर्स बायस हम जब कहते हैं तो जो पी साइड है उसे हम नेगेटिव से और एन को पॉजिटिव से कनेक्ट किया। नेगेटिव है तो ये होल्स को अट्रैक्ट कर रहा है, और ये पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। तो जो कैरियर्स हैं वो आपके दूर जा रहे हैं जंक्शन से, कोई जंक्शन को क्रॉस नहीं कर रहा है तो कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। डिप्लीशन विद बढ़ रही है, और हम कह सकते हैं जो प्लेट का सेपरेशन है वो बढ़ रहा है। इससे जो कैपेसिटेंस क्रिएट हो रहा है उसे हम स्पेस चार्ज कैपेसिटेंस भी कहते हैं, और सी टी इज द जंक्शन कैपेसिटेंस इन अ रिवर्स बायस डायोड। रिवर्स बायस में हो रहा है। सी टी इज ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ मेजोरिटी कैरियर्स इन द रिवर्स बायस डायोड। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये जब इधर इकट्ठे हो रहा है, ये इधर इकट्ठे हो गए, ये इधर इकट्ठे हो गए, प्लेट पर इधर इकट्ठे हो जाएंगे, बाहर नहीं जाएंगे, ये इधर इकट्ठे हो गए। तो यहां इनके एक्यूमुलेट होने से एक चार्ज होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो दो बैटरी है इस तरीके से, प्लेट है, एक पर पॉजिटिव चार्ज हो गया एक पर नेगेटिव चार्ज हो गया। तो ये आपका कैपेसिटर ही तो है, कुछ कैपेसिटेंस होगा इसका। यहाँ पर ये डिप्लीशन विद है वो आपका डायलेक्ट्रिक तरह काम करता है, तो ये एक कैपेसिटेंस रिप्रेजेंट करेगा। जो सी टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिप्लीशन विद। ये डिप्लीशन विद किससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यहाँ पर डिप्लीशन विद ज्यादा है तो सीटी की वैल्यू कम होगी। एक और सीटी के लिए फॉर्मूला होता है, सीटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल द वन अपॉन रूट ऑफ रिवर्स बायस वोल्टेज। जो रिवर्स बायस वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट में। फॉर बेटर परफॉर्मेंस ऑफ डायोड और बीजेटी। बीजेटी में भी आप देखते हैं दो बैक टू बैक डायोड होते हैं, तो डायोड और बीजेटी के बेटर परफॉर्मेंस के लिए द ट्रांजिशन कैपेसिटेंस सीटी मस्ट बी स्मॉल एज पॉसिबल। जितना कम से कम हो उतनी अच्छी बात है। तो ये कैपेसिटेंस है, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस वो कम से कम होना चाहिए डिवाइस को बेटर परफॉर्म करने के लिए। द प्रॉपर्टी ऑफ सीटी इज यूज्ड इन डिजाइनिंग ऑफ वैरेक्टर डायोड। जो सीटी का प्रॉपर्टी है डिप्लीशन विद की वजह से ये कम या ज्यादा होता है, इस प्रॉपर्टी का हम यूज करते हैं वैरेक्टर डायोड में। वो आगे आप पढ़ेंगे, स्पेशल डायोड जब आप पढ़ेंगे, जब ये वैरेक्टर डायोड पढ़ेंगे तो वहां पर ये डिस्कशन मिलेगा आपको। इसके लिए एक एक्सप्रेशन होता है सीटी के लिए, सीटी इज इक्वल टू सी जे नॉट अपॉन वन प्लस वी आर बी बाई वी नॉट टू पावर एम, वेयर सी जे नॉट इज द कैपेसिटेंस एट बायस वोल्टेज जीरो। जब बायस वोल्टेज जीरो होता है उस केस में क्या कैपेसिटेंस है, वो सी जे नॉट होता है। वी आर बी रिप्रेजेंट द रिवर्स बायस वोल्टेज, वी नॉट रिप्रेजेंट द पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर है, और एम है एक ग्रेडिंग इंडेक्स होता है, इसकी वैल्यू है 1/2 फॉर स्टेप ग्रेडेड डायोड और 1/3
फॉर लीनियर ग्रेटर डायोड। तो ये फॉर्मूला कभी कभी किसी क्वेश्चन में यूज किया जा सकता है, आगे आपके लिए हो सकता है बेनिफिशियल हो। उसका नेक्स्ट कैपेसिटेंस है डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, जिसे हम शॉर्ट में सीडी से लिखते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टोरेज कैपेसिटेंस, जिसे हम स्टोरेज कैपेसिटेंस कहते हैं। सीडी इज द जंक्शन कैपेसिटेंस इन फॉरवर्ड बायस, ये फॉरवर्ड बायस में होता है। लेकिन आप एक चीज देखिएगा, फॉरवर्ड बायस में तो होता है लेकिन डिपोजिशन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स, जो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस हो रहा था उसमें जो कैरियर यहां पर एसिस पे जो इकट्ठे हो रहे थे वो मेजॉरिटी कैरियर्स थे, लेकिन डिफ्यूजन कैपेसिटेंस में जो कैरियर्स होते हैं वो होते हैं माइनॉरिटी कैरियर्स। किस तरीके से देखिए, यहां पर मैंने प्लस लगाया है पी को प्लस से, एन को नेगेटिव से, इसका मतलब फॉरवर्ड बायस कंडीशन है। अब पॉजिटिव यहां लगाया है, पी में माइनॉरिटी में कैरियर्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स, एन में माइनॉरिटी में होंगे होल्स। इलेक्ट्रॉन्स हैं पॉजिटिव टर्मिनल, ऑब्वियसली इन्हें अट्रैक्ट करेगा, और ये होल्स को नेगेटिव टर्मिनल अट्रैक्ट करेगा, इसमें से ये दूर जाते हैं, लेकिन माइनॉरिटी कैरियर्स हैं ये यहां पर इकट्ठे हो जाएंगे। डिप्लीशन विद कम होती है फॉरवर्ड बायस में, आपने पढ़ा है। तो ये जो कैपेसिटेंस है वो किसकी वजह से होता है, दिस इज ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स इन ए फॉरवर्ड बायस डायोड। माइनॉरिटी कैरियर्स डिपॉजिट हो जाते हैं यहां पर, तो इसकी वजह से हो जाता है। इसकी जो वैल्यू है वो भी इसी फॉर्मूले से होती है, सी डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिप्लीशन विद। तो यहां पर डिप्लीशन विद कम है, इसका मतलब सी डी की वैल्यू ज्यादा होगी। तो सी डी और सी टी में सी डी की वैल्यू ज्यादा होती है। सी डी इज ए हाई फ्रीक्वेंसी पैरामीटर, दैट इज इट विल डोमिनेट इन द डिवाइस डायोड ऑफ बीजेटी ओनली ड्यूरिंग हाई फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन एंड विल रिड्यूस द परफॉर्मेंस ऑफ द डिवाइस वेरी वेटली। हाई फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन में ये डिवाइस के परफॉर्मेंस को बहुत बैडली इफेक्ट करता है। हाई फ्रीक्वेंसी में डिवाइस को जब ऑपरेट करते हैं तो सी डी है वो डिवाइस का परफॉर्मेंस घटा देता है। देयरफॉर द हाई फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन ऑफ द डायोड और बीजेटी इज लिमिटेड बाई सी डी, सी डी की वजह से उसके जो ऑपरेशन है वो लिमिटेड हो जाता है, ठीक है ना। तो सी डी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सी टी, बता चुका हूं मैं आपको। सी डी के लिए एक फॉर्मूला ये होता है, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सी डी इज इक्वल टू टाउ आई एफ अपॉन ईटा वी टी फेरड, वे टाउ इज द मीन लाइफ टाइम ऑफ कैरियर, आई एफ इज द फॉरवर्ड करेंट, वी टी इज द वोल्टेज इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर, ईटा इज द कॉन्स्टेंट दैट इज वन फॉर जर्मेनियम एंड टू फॉर सिलिकॉन। तो ये दोनों कैपेसिटेंस थे, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस एंड डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। आई थिंक आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।